कच्चे अध्यापकों वालों पक्के होने को लेकर पिछले लंबे समय तो संघर्ष किया जा रहा है। उसके चलते कच्चे अध्यापक यूनियन वालों 22 तो 24 नवंबर तक स्कूलों का बायकट करने का ऐलान किया गया, जिसके चलते अज दूसरे दिन सरहदी तहसील अजनाला के कुछ स्कूल फिर बंद नजर आए। बच्चे स्कूलों वापस मुड़ते देखे गए। इस मौके स्कूलों का बायकट करने वाले कच्चे अध्यापकों ने कहा कि वह पिछले लंबे समय तो पक्के होने को लेकर संघर्ष करते आ रहे हैं, पर सरकार उन्होंने वाल कोई भी ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि जेकर सरकार उन्होंने वाल ध्यान नहीं देगी उदों तक उन्हों का संघर्ष जारी रहेगा। हाँ जी, मेरा नाम गुरमीत सिंह है जी। भाजी स्कूल असी बड़े मतलब कि सिर तो पानी लंघ चुका तो फिर बंद किए जी। ये बाइकट तां कीता गया जी, सरकार सानू निगूणियां तनखाह ते बिना मतलब कि कदी असी तुहानू इदां करता उदां करता करके डंग टपाऊ नीति के तहत सानू मतलब कि जिहड़ा हुण लास्ट ते आण के ये कदम चुकना पिया जी। मंग करदे कि सानू बिना शर्त रैगूलर किया जाए, क्योंकि नगूणिया तनखाह तो तुहानू पता वा गुजारा करना बहुत मुश्किल आ। सरकार झूठे वादे करी जांदी आ, वड्डे वड्डे पोस्टर लाए आ लोकां दा चन्नी फलाना इदा उदा, जमीनी तौर पर भाजी कुछ भी नहीं किया गया, सब मतलब कि लिफाफे ने हवा दे विच उड रहे ने जी। मेरा नाम राहुल है, मैं सरकारी एलीमेंट्री स्कूल सराएं बतौर एस टी आर सेवा निभा रहा हाँ। असी धरने बारे यो कहना चाहते कि असी साडा जिहड़ा संघर्ष आ, पहला भी अभी 4-3 महीने मोहाली लगातार संघर्ष किया। उस टाइम सरकार ने सानू मंगा मन के कहता ही तुहानू विभागी पोस्टा दे देने, विभागी पोस्टा 83-93 एन टी टी दीतियाँ। इन्होंने एक निश्चित साजिश के तहत जान बुझ के पोस्टा पहला लमकई गए, जो एंड से आया पेपर की तरीक आई पहला पेपर की डेट दी दी इन्होंने, जो 1 महीने बाद डेट दी तो कोर्ट से स्टे लग गया, क्योंकि इन्होंने कोर्ट से जवाब ही नहीं सही दिता, जवाब इन्होंने मिथी साजिश दिता है तो गलत जवाब कोर्ट से पेश किए जिंदा भर्ती से स्टे लग गया। क्योंकि ये सरकार सिर्फ ऐलाना के अधीन चलने की, इन्हों का मकसद ही नहीं है किसी भी मुलाजम को कोई नौकरी देना, क्योंकि इस टाइम जिन्नी भी भर्ती आई हैं चाहे वह 60-35 आ चाहे वह 83-93 चाहे 23-64 हर भर्ती के कोर्ट से स्टे लग चुका वा। इस तो अलावा पटवारी की भर्ती से भी स्टे लगा, पुलिस की भर्तियां कैंसल हो गई। ये दसो कि घर घर मुहिम तहत जिहड़े इन्हां नूं रुजगार दे नहीं, वो सिर्फ कागजी कारवाइयां ही। हकीकत विच सरकार कुछ नहीं कर रही जमीनी पद्धर से, बस ऐलान ही किए जा रहे हैं। हाँ जी, की मांग करते हो? मैं बस यही मांग करना है कि अभी 18 सालों तो सरकारी स्कूलों से सेवावान निभा रहे हैं। पहला साड़ी अभी 1,000 तो काम शुरू किया, मौजूदा समय साड़ी 6,000 तनखा आ। इन्नी महंगाई के 6,000 घर के गुजारे चलाने बहुत मुश्किल है। इस करके ही अभी 22 तरीक तो अभी 3 दिन का बाइकाट किया स्कूलों का। यह बाइकाट सिर्फ 3 दिन ही फिलहाल आ, जे इन्ह 3 दिनों से सरकार ने साड़ी कोई गलबात ना सुनी तो अनमिथे समय लिए बाइकाट चलेगा। इस आधार से ही कल साडे साथियों जो कि मोहाली तर लगातार धरना चल रहा है, सीएम हाउस के सामने जाके गुप्त कार्रवाइया की, जितने सारे साढ़े 30 तो वो साथियों ने गिरफ्तारियां दीतियां ही। अभी सरकार को चेतावनी दें कि जे उन्होंने साड़िया चोन जाबते तो पहला मंगा ना मनिया, जिते जिते इन्हों के इलेक्शन प्रोग्राम होंगे जिते जिते इन्हों की मीटिंगा होंगे असं उत्थे जाके इन्हों के प्रोग्राम खराब करांगे। अजनाला तो गुरप्रीत सिंह ढिल्लों की रिपोर्ट। वधेरे खबरां लई तुसीं देखते रहो अजीत वैब टीवी। ना तू फेर झंडा चुक लिया, तू पंजे वाला झंडा चुकी रखिया ते हुण केसरी चुक लिया। मूर्ख सां मैं, कमला हो गया सां, झूठे लारियां विच फस गया सी मैं। कहंदे सी सारे कर्जे माफ कर देंगे, सहूलतां मिलणगियां। मिल गईयां फिर? सवा कर्जा माफ करना ते दूर, नाल दा खेत भी बैंक वाले लै गए। आड़ती दे तरले कर करके मसा एक छोटा खेत बचिया। एदे नालों तां बादल किते चंगे सी। हाँ, वो गरीबां बारे सोचदा सी। 200 यूनिट बिजली दे फ्री सी, आटा दाल पेंशन सब टाइम सिर मिल जांदा सी। अपनी ज्योति दे विआह दा शगन भी ते झटपट ही मिल गया सी। सेहत बीमा सी, पिंडां दी नुहार बदलन लई खुले ग्रांटां दे गफ्फे, बथेरा कुछ होया। हुण करिए की? करना की है? ऐतकी ओदी बांह फड़नी है जेड़ा समझे साडे दर्दां नूं।